सर डेटा मैटिक ग्लोबल, डेटा मैटिक्स ग्लोबल की बात कर लें तो बहुत दिनों से स्टॉक में कंसोलिडेशन है, निचले स्तरों से एक अच्छी रैली आई थी और उस रैली के बाद हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है। 370-380 रुपये ऊपर के भाव और नीचे तकरीबन 260 रुपये, तो ये एक वाइल्ड ड्यूरेशन में कंसोलिडेशन है और स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके रिजल्ट को देखना जरूरी होगा कि किस तरह से। हाँ, अब रिजल्ट में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 4-5 क्वार्टर से दिख रहा है कि एक रेंज में है रिजल्ट, और पहले एक इनका बेस हुआ करता था जहां पर कि 15 से 25 करोड़ के रुपए के करीब कमाती थी कंपनी। अब वो बेस थोड़ा चेंज हुआ है और बेस है चेंज फ्रॉम 25 टू मतलब जो 20-25 करोड़ कमाती थी वहां से अब 35 करोड़ से 40 करोड़ कमाने लग गई है कंपनी। तो हमने एक निचले स्तर से काफी अच्छा उछाल देखा, लेकिन कंसोलिडेशन अगेन इनके पूरे बिजनेस में हो रहा है, तो इसीलिए स्टॉक के प्राइस भी वैसे ही दिख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पे एकदम कंसोलिडेट कर रहे हैं, जहां पर कि हमने सॉफ्टवेयर में देखा कि सारी चीजें नीचे आई हैं। इस कंपनी में एक अच्छा गेन और उसके बाद एक कंसोलिडेशन है। आपके पास अगर है लेने की सोच रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि 260 के पास दोबारा अगर मिलता है आपको इन मार्केट करेक्शन तो ध्यान रखना चाहिए, और वहां पर अगर मिलता है तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड लेवल टू एक्युमुलेट। तो ये थी राय डेटा मैट्रिक्स पर, सर ने बता दिया है करेक्शन करके अगर अप्रोक्सीमेटली 260 के करीबन आता है तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं स्टॉक की तरफ।